इंसान अपनी पूरी जिंदगी खुशी की खोज में गुजार देता है। संघर्ष हर कोई करता है, लेकिन सफलता कुछ ही लोगों के हिस्से में आती है। खुशी या सफलता क्यों सबको नहीं मिलती? क्या कोई ऐसा राज है सफलता का या खुशी का जो सबको नहीं पता, और जिन्हें पता है वो ही उसका आनंद उठाते हैं? क्या हर व्यक्ति उतना ही सफल और उतना खुश नहीं हो सकता? असलियत में क्या हमें मालूम है कि असली खुशी क्या है? क्या धन दौलत से ही खुशी मिलती है? क्या सुकून की जिंदगी ही सुख का अभिप्राय है? जिस व्यक्ति के जीवन में अगर कोई दुख नहीं तो क्या वो पूर्ण रूप से सुखी है? क्या हमेशा जीतने को ही खुशी कहते हो? क्या है आखिर खुशी और सफलता का राज? सफलता, कामयाबी कोई ऐसी असंभव चीज नहीं जो हम हासिल नहीं कर सकते। हम सब बहुत कामयाब हो सकते हैं। सफलता की खुशी हम सबको मिल सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इस खुशी पर सिर्फ कुछ ही लोगों का हक है। बदलना है तो बस अपना नजरिया, अपनी सोच, और फिर आप सफलता के पीछे नहीं, सफलता आपके पीछे भागेगी। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जिसमें आपको खुशी का राज मिलेगा। एक समय की बात है, एक गांव में महान ऋषि रहते थे। लोग उनके पास अपनी कठिनाइयां लेकर आते थे और ऋषि उनका मार्गदर्शन करते थे। एक दिन एक व्यक्ति ऋषि के पास आया और ऋषि से एक प्रश्न पूछा। उसने पूछा कि गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि हमेशा खुश रहने का राज क्या है। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस? ऋषि ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का राज बताऊंगा। ऐसा कहकर ऋषि और वह व्यक्ति जंगल की तरफ चलने लगे। रास्ते में ऋषि ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस व्यक्ति को कह दिया कि इसे पकड़ो और चलो। उस व्यक्ति ने पत्थर को उठाया और वह ऋषि के साथ साथ जंगल की तरफ चलने लगा। कुछ समय बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन वह चुप रहा और चलता रहा क्योंकि ऋषि का आदेश था। लेकिन जब चलते हुए बहुत समय बीत गया और उस व्यक्ति से दर्द सहा नहीं गया, तो उसने ऋषि से कहा कि उसे दर्द हो रहा है। तो ऋषि ने कहा कि इस पत्थर को नीचे रखो। पत्थर को नीचे रखने पर उस व्यक्ति को बड़ी राहत महसूस हुई। तभी ऋषि ने कहा, यही है खुश रहने का राज। व्यक्ति ने कहा कि मैं समझा नहीं। तब ऋषि ने बताया, जिस तरह इस व्यक्ति को एक मिनट तक हाथ में रखने पर थोड़ा सा दर्द होता है, और अगर इसे एक घंटे तक हाथ में रखें तो थोड़ा दर्द ज़्यादा होता जाता है, बढ़ता जाता है, और इसे जितनी देर उठाए रहेंगे दर्द बढ़ता रहेगा। उसी तरह दुखों के बोझ को जितना ज़्यादा समय तक उठाए रखेंगे, उतनी ही ज़्यादा हम दुखी और निराश रहेंगे। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों के बोझ को एक मिनट तक उठाए रखते हैं या उसे जिंदगी भर। अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो दुख रूपी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रखना सीख लो, और हो सके तो उसे उठाओ ही नहीं। दोस्तों, हम अपना पूरा जीवन अतीत के शोक मनाने में या भविष्य की चिंता में गुजार देते हैं। हम वर्तमान में होकर भी वर्तमान में नहीं रहते, और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना सीखिए। जो आज भी आपके पास है उसको वैल्यू दीजिए, उसको संभालिए। अगर आप अपना आज संभाल लेंगे तो आपका भविष्य खुद ब खुद संवर जाएगा। सफलता का भी यही मूल मंत्र है। लोग अपनी हार, अपनी अतीत में मिली असफलताओं को अपने सीने से लगाए बैठे रहते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं। इससे वो अपने वर्तमान में मिले अवसरों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, और इस तरह वो अपने वर्तमान के साथ साथ अपना भविष्य भी अंधकार में धकेल देते हैं। आज में जिए, आज मिले हुए अवसरों को जाने, पहचाने और उन पर काम करें। भूल जाइए कल क्या हुआ और कल क्या होने वाला है। आज आपके पास क्या है उसके बारे में सोचिए। आज की हुई मेहनत कल आपके काम आएगी। हरिवंश राय जी की कविता का एक छंद आपको सुनाना चाहूंगा। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। भूल जाइए कल क्या हुआ और आगे बढ़िए। पीछे देखकर चलने वाले ज़्यादा देर
चल नहीं पाते। अपनी सफलता की तरफ दौड़िए, जो पीछे रह गया उसे छोड़ दीजिए। वक्त की एक बात बहुत अच्छी होती है कि वो सदा एक जैसा नहीं रहता। इससे प्रेरणा लेकर आगे बढ़िए। आज अभी आपका वक्त है, उस पर फोकस कीजिए। आज का संघर्ष आपका कल का आराम है और आज का आराम आपके कल का दुख बन जाएगा। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स ताकि उन्हें भी सही दिशा मिले, आगे बढ़ सकें, जीवन में सफल हो सकें। अगर आपको ये वीडियो WhatsApp पे चाहिए तो नीचे लिखे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए एंड वी विल सेंड यू थ्रू WhatsApp। नमस्ते।